आप लोग कमेंट कीजिए, चलिए हिंदी में क्या देख ले। आज आप लोग को देख लिए, थंबनेल दिया है क्या, कुषाण तो कल छोड़ दिए थे, तो कुषाण कंप्लीट कर देना है। कुषाण के बाद गुप्त कंप्लीट करना है, गुप्त के बाद फिर वर्धन वंश जिसको पुष्पभूति वंश बोलते हैं उसको कंप्लीट करना है। और हिंदी में कोई टॉपिक ले लेते हैं, हिंदी में कौन टॉपिक ले लें। चलिए सभी लोग को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो चलिए तो हिंदी में थोड़ा बड़ा टॉपिक, मतलब बड़ा नहीं है, काफी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वो बिहार पुलिस से नहीं है, बिहार पुलिस दरोगा वगैरह से जुड़ी वगैरह सर वो तो पूछता है ना, पूछता है हिंदी व्याकरण पूछता है ना। तो जहाँ जहाँ हिंदी व्याकरण पूछता है हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं समास, क्या पढ़ेंगे, समास काफी इम्पोर्टेंट है और सबसे हल्का भी है, काफी हल्का है। जिस प्रकार संधि पहचानना एक ही था ना, हाँ समास में तो सिर्फ पहचानने बोलता है, बाकी कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ पहचानिए क्या बोलता है, पहचानने बोलता है। तो जिस प्रकार संधि पहचानना काफी हलवा था, उसी प्रकार समास पहचानना काफी हलवा है, ठीक है ना। खाली आप लोग जो है देखते रहिएगा, जो जितना भी लगे 20 मिनट लगभग लगेगा, आप लोग देखते रहिए, फिर जो है कभी समास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आंख बंद करके मार दीजिएगा टिक, ठीक है ना। तो चलिए समास को देख लेते हैं, ठीक है, सेट का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए समास को देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है ना। समास क्या देख रहा है, समास पहले देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले बताना, आप लोग को पहले बताना है समास से कितना भेद है, जल्दी बताइए समास का कितना भेद है। और काफी हलवा है, आप लोग बने रहिए, एकदम जो है फटाफट निपटारा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं पढ़ोगे एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा, और बहुत कम टाइम पहचान लीजिएगा, फिर कभी गलती भी ना होगा। समास से कितना भेद है, समास का कितना भेद है, देखो कितना है समास, समास किसे बोलते, देखिये संधि बोले थे दो वर्ण का मेल, दो वर्ण का, दो गो वर्ण मिला था तो बना संधि, क्या बना, और यहाँ दो गो शब्द मिलेगा, क्या मिलेगा, दो गो पद मिलेगा, दो गो पद मिलेगा तो क्या बोलेंगे समास। तो वर्ण मिलता है तो संधि, वर्ण मिलता है संधि, पदों का मेल होता है समास, वर्ण मिलता है संधि, पदों का मेल होता है समास। संधि का होता है विच्छेद, संधि क्या होता है, संधि को तोड़ना विच्छेद, संधि को तोड़ना विच्छेद, संधि को तोड़ना विच्छेद, समास को तोड़ना विग्रह, समास को तोड़ना विग्रह, समास तोड़ेंगे तो विग्रह, संधि तोड़ेंगे तो विच्छेद, संधि तोड़ेंगे तो विच्छेद। दो वर्ण मिलेगा तो संधि, दो वर्ण मिलेगा तो संधि, दो पद मिलेगा तो समास, क्या होता है समास। ये दोनों में इतने अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं समास में देख लेते हैं फटाफट, आप लोग तैयार हो जाइए और समास पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसे समास का जो भेद पहचानने बोलते हैं, किसी पहचानने बोलते, बाकी में कोई नहीं है, लेकिन काफी मस्त टॉपिक है, जबरदस्त है, शानदार है। चलिए पहला बताना है समास का जो पहला भेद है, समास का पहला भेद कौन है, तो अविभाव। समास का पहला कौन प्रकार है, अविभाव समास, पहला कौन समास है अविभाव, कौन समास अविभाव, कौन समास अविभाव। दूसरा है द्विगु, दूसरा कौन है द्विगु, कौन समास द्विगु, कौन समास द्विगु। तीसरा है द्विंद, तीसरा है द्विंद समास, कौन समास द्विंद समास, कौन समास द्विंद समास। चौथा है कर्मधारय, चौथा है कर्मधारय समास, कौन समास कर्मधारय समास, कौन समास कर्मधारय समास। पांचवा है तत्पुरुष, क्या है तत्पुरुष का तत्पुरुष। पांचवा कौन समास तत्पुरुष, कौन समास तत्पुरुष। और छठा जो है वह आपका बहुव्रीहि, कौन है बहुव्रीहि, कौन है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। यही तो छह समास है, अब फटाफट से पहचाने सीख जाएंगे, चलो हम चुटकी में सीख जाएंगे, पहचाने जानते हैं आप लोग, पहचान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, तो समास कितना, समास से कितना भेद है, छह भेद, कितना भेद है छह भेद, कितना भेद है छह भेद, कितना है छह। एक अविभाव, दूसरा द्विगु, तीसरा द्विंद, चौथा कर्मधारय, पांचवा तत्पुरुष, छठा बहुव्रीहि, छठा बहुव्रीहि। देखिए अविभाव समास में क्या है, अभिभाव समास पहचानने बता देंगे फटाफट, चलिए इसको पहले हम बांट देते हैं, ठीक है, क्या ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं क्या, तो अब देखते हैं समास, देखिए अभिभाव समास, अभिभाव समास पहचाने का सिंपल नियम है, इसके आगे रहेगा उपसर्ग, क्या रहेगा आगे उपसर्ग रहेगा तो अभिभाव, 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 उपसर्ग आगे ही रहता है, पता है ना। एक होता है उपसर्ग, होता है प्रत्यय, क्या होता है एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। तो बताइए उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे, शब्द के, वैसा जो शब्द के आगे लग कर शब्द के अर्थ को बदल दे, क्या कहलाता है उपसर्ग, क्या कहलाता है उपसर्ग। अब प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे, प्रत्यय कहाँ लगता है पीछे, शब्द के पीछे लगकर जो शब्द के अर्थ को बदल दे, क्या बोलते हैं प्रत्यय, क्या बोलते हैं प्रत्यय। तो पोषक प्रत्यय से पीछे, पोषक प्रत्यय से पीछे, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देगा, पीछे लगने वाला क्या बोलते हैं प्रत्यय, क्या बोलते हैं, तो पोषक प्रत्यय से पीछे। तो उपसर्ग कहाँ,
आगे कहां आगे लगता है, तो जिसके आगे जिसमें जो शब्द के आगे उपसर्ग यानी जिसमें उपसर्ग रहेगा वो क्या होगा अभिभाव, जिसमें उपसर्ग रहेगा वो क्या होगा अभिभाव, क्या आ जाएगा अभिभाव समास क्या आ जाएगा उपसर्ग बोले तो, उपसर्ग बोले तो जैसे हो सकता है क्या उपसर्ग में परा हो सकता है, परा क्या उपसर्ग है, परा क्या उपसर्ग है, उपसर्ग अनु, अनु क्या है उपसर्ग है, आ, आ क्या है उपसर्ग है ना, आ क्या है उपसर्ग है, उसी प्रकार यथा, यथा क्या है उपसर्ग है, उपसर्ग बहुत सारा चीज है ठीक है, लगभग 24 को उपसर्ग है सर में ये लिख देंगे, सिर्फ याद रखना है कि जो उसके आगे उपसर्ग रहेगा वो होगा अभिभाव, क्या हो जाएगा अभिभाव, क्या हो जाएगा अभिभाव, परो क्या है उपसर्ग, परो क्या है उपसर्ग, तो जिसके आगे उपसर्ग रहेगा वो क्या होगा अभिभाव, क्या हो जाएगा अभिभाव, क्या हो जाएगा अभिभाव। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, पहले लिखे पराजय, क्या लिखेंगे पराजय, क्या लिखेंगे तो जय के पहले क्या है परा, जय के पहले क्या है तो जय के पहले परा, इसलिए कौन 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 समास अभिभाव, कौन समास अभिभाव, कौन समास अभिभाव, उसी प्रकार लिखेंगे पराधीन, क्या लिख दिए पराधीन, क्या लिख दिए पराधीन, परा है परा क्या उपसर्ग, कौन समास अभिभाव, कौन समास अभिभाव लिख दिए, क्या लिख दिया हम यहाँ पर लिख दिया पढ़ती है, क्या लिख दिया पढ़ती है, क्या लिख दिया परो है कौन समास अभिभाव, कौन समास, लेकिन प्रत्येक को तोड़ेंगे तो होगा प्रति जोर एक, प्रति जोर एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है प्रति जोर एक, प्रति जोर, और प्रति भी मेरा क्या है प्रति भी मेरा उपसर्ग क्या है, तो प्रति रहेगा तो अभिभाव, प्रति रहेगा तो अभिभाव, उपसर्ग रहेगा तो अभिभाव, जैसे लिखेंगे प्रतिदिन, क्या लिखेंगे प्रतिदिन, क्या लिखेंगे तो प्रति है, प्रति क्या है उपसर्ग क्या है, इसलिए कौन समास अभिभाव, कौन समास अभिभाव, जैसे लिख दिया क्या प्रति घंटा, प्रति घंटा तो प्रति है, प्रति क्या है उपसर्ग, इसलिए कौन समास अभिभाव, जैसे लिख दिया यथाशक्ति, क्या लिख दिया यथाशक्ति, यथा तो यथा है, यथा मेरा क्या है उपसर्ग, इसलिए कौन समास अभिभाव, कौन समास अभिभाव, लिख लिख दिया यथा उक्ति, यथा उक्ति, यथा है कौन समास अभिभाव, कौन समास अभिभाव। चलिए और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर आ जन्म, क्या लिख दिया आ जन्म, क्या लिख दिया आ आ आ आ क्या है, आ क्या है उपसर्ग क्या है, कौन समास अभिभाव, कौन समास अभिभाव, कौन समास अभिभाव, तो आ जन्म है तो अभिभाव समास। चलिए आप पहचान जाएंगे ना, यानी आगे उपसर्ग रहेगा तो क्या होगा अभिभाव, आगे उपसर्ग रहेगा तो क्या होगा अभिभाव, क्या हो जाएगा अभिभाव। अब देखिए अभिभाव को हम क्या देख के पहचाने, अभिभाव को आगे वाला देख के पहचाने, आगे देख के पहचान रहे अभिभाव को, कहाँ देख रहे हैं आगे, आगे को यानी प्रथम पद, आगे बोले तो प्रथम पद और बाद वाला द्वितीय पद, पहला वाला प्रथम पद, बाद वाला द्वितीय पद, तो ये आगे वाला परा प्रथम पद और जय द्वितीय पद, इसमें मेनका कौन है पहला की दूसरा, पहला मेन है, पहला देख के पहचान रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा समास है, वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है अभिभाव, क्वेश्चन पूछा गया है वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है अभिभाव, कौन समास इसके प्रथम पद प्रधान होता है, तो प्रथम पद प्रधान होता है किसका, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद, तो प्रथम पद प्रधान कौन समास है अभिभाव, कौन समास अभिभाव, कौन समास अभिभाव, अभिभाव खत्म, पहचान जाएगा न पहचान जाएगा। चलिए अब आते द्विगु, कहाँ आते हैं द्विगु में बोलते संख्या, संख्या पूर्व द्विगु, क्या बोलते हैं इसमें बोलते हैं संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व यानी आगे संख्या हो तो क्या होगा द्विगु समास, आगे संख्या हो तो द्विगु, आगे संख्या हो तो द्विगु यानी संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व यानी पूर्व मतलब पहले, अगर पहले संख्या हो तो कौन समास द्विगु समास, कौन समास द्विगु समास, जैसे त्रिभुज क्या बोलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज में त्रि, त्रि मतलब संख्या, तीन, त्रि मतलब तीन, जैसे बोलेंगे चतुर्भुज क्या बोलेंगे, चतुर्भुज क्या बोलेंगे, बोलेंगे पंचभुज क्या बोलेंगे, पंचभुज क्या बोलेंगे, बोलेंगे षटभुज क्या बोलेंगे, षटभुज क्या बोलेंगे, बोलेंगे पंचवटी क्या बोलेंगे, पंचवटी क्या बोलेंगे, बोलेंगे चौराहा क्या बोलेंगे, चौराहा क्या बोलेंगे, बोलेंगे अठन्नी क्या बोलेंगे, अठन्नी क्या बोलेंगे, बोलेंगे चवन्नी क्या बोलेंगे, चवन्नी क्या बोलेंगे, चवन्नी क्या बोलेंगे, बोलेंगे दशानन क्या बोलेंगे, दशानन क्या बोलेंगे। अब देखो सबके आगे संख्या है, त्रि मतलब तीन, चतुर मतलब चार, पांच मतलब पांच, षट मतलब छ, पांच मतलब पांच, चौ मतलब चार, आठ मतलब आठ, अठ अन्नी यानी आठ गो अना मिलता तो बनता अठन्नी, क्या बनता है और सोलह गो अना मिलेगा तो एक रुपया, अरे आठ गो अना अठन्नी सोलह गो अना एक रुपया,
और चवन्नी बनता है चार गुना, चवन्नी बनता है तो चौ मतलब चार, चौ मतलब दस मतलब दस, संख्या आगत कौन समास द्विगु, सबसे हल्का द्विगु है ना, ना संख्या आगत कौन समास द्विगु, संख्या आगे द्विगु, संख्या आगे द्विगु, संख्या आगे द्विगु। अब आता है द्विंद समास, क्या आता है द्विंद समास में जो है ना, द्विंद समास में दोनों पद प्रधान होता है, क्या होता है क्वेश्चन पूछा हुआ, कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास है, आप लोग को कमेंट कीजिएगा कोई प्रॉब्लम होगा ठीक है ना, वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है द्विंद, क्या द्विंद कहेगा, वह कौन सा समास है जिसके आगे संख्या होता है द्विगु, कौन द्विगु, वह कौन सा समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है अभिभाव, वह कौन सा समास है जिसका पहले संख्या होता है द्विगु, वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद पहला और बाद यानी पहला और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होता है द्विंद, क्या होता है द्विंद, तो द्विंद समास में क्या होता है द्विंद समास में, यहां ध्यान दो द्विंद समास क्या बोल रहा है, द्विंद समास में दोनों पद क्या होता है, दोनों पद प्रधान, दोनों पद, दोनों पद प्रधान रहेगा द्विंद, दोनों पद प्रधान रहेगा द्विंद, प्रथम पद प्रधान रहेगा अभिभाव, प्रथम पद प्रधान रहेगा अभिभाव, और द्विंद को पहचानने का सिंपल नियम क्या है, बीचा में रहेगा ये वाला चिन्ह देख रहे हैं हाइफन, बीच में रहेगा ये चिन्ह तो क्या बोलेंगे द्विंद, बीच में चिन्ह रहेगा तो क्या बोलेंगे द्विंद। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल नहीं पूछता है और कुछ पूछता है नहीं, जैसे आप बनिएगा पति क्या बनिएगा, तो खाली पति पति ऐसे बन जाइएगा, जब तक पत्नी नहीं मिलेगा पति बनिएगा, जब तक पत्नी नहीं मिलेगा पति कैसे कहलाइएगा, कहलाइएगा यानी पति खाली प्रधान है कि पत्नियों प्रधान है, यानी पति पत्नी क्या हो गया, पति पत्नी कौन समास दिन समाज, पति पत्नी दिन समाज, पति पत्नी अभिचम चिन्मा है ना, पति पत्नी दिन समास, माता पिता दिन समास, माता पिता खाली माता मेन की पिता मेन दोनों प्रधान है घर में ना, तो माता पिता कौन समास दोनों प्रधान ना है, बोलेंगे गौरी शंकर क्या बोलेंगे, गौरी शंकर, गौरी शंकर सीता राम, गौरी शंकर सीता राम, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, बेटा बेटी, बेटा बेटी ना हो गया, माली मालिन, माली मालिन, दाल तुरंत बोलो भात नहीं बोल पाता है, दाल भात, दाल भात, लोटा डोली क्या बोलेंगे, रोट लोटा क्या बोलेंगे, लोटा साटा डोरी क्या आता है, लोटा डोरी, लोटा डोरी बोलेंगे गधा तो तुम्हें बोलेगा गधी नहीं बोलेगा, कौन समास दिन समास, कौन समास दिन समास, कौन समास दिन समास, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की ना हो गया, दिन पहचाने को दिक्कत, दिन पहचाने को दिक्कत, बीच में ये आएगा तो क्या होगा दिन समास क्या आ जाएगा, और दोनों में ना है किसी एक के बिना काम चलेगा नहीं, दोनों प्रधान है, दोनों क्या है प्रधान, तो कौन समास दिन समास, कौन समास दिन समास, कौन समास दिन समास, कोई दिक्कत है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे हम लिख दिया यहां पर, लिख दिया क्या यहां पर, मान लो लिख दिया हम क्या, यहां लिख दिया दिनों दिन, क्या लिख दिए, लिख दिया यहां पर दिनों दिन, ना बोलते दिनों दिन काम हो गया क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या दिनों, सॉरी चलो दिनों दिन क्या बोलते हैं, दिन ना बोलते दिनों दिन ही काम हो गया है, या बोलते हैं रातों रात, क्या बोलते हैं रातों रात यह काम हो गया है, या बोलते हैं कानों कान एकदम फैल गया है ना, बोलता है कोई कान कर दिया, बोलते हैं कानों कान फैल गया, कानों कान फैल गया, ये कौन समास होगा जल्दी बताइए, ये कौन समास होगा दिन समास, इसमें दो पद है कहाँ, ये भी दिन है ये भी दिन है, दो पद हुआ कहाँ, दोनों तो सेम है ना, रात और रात दोनों सेम हो गया क्या हो गया, दोनों सेम है ना, कान कान दोनों सेम हो गया क्या हो गया, जब सेम रहे तो मानना है क्या अभिभाव, क्या मानना, सेम रहे तो अभिभाव, सेम रहे तो अभिभाव, सेम रहेगा तो अभिभाव, कहाँ थे कितना निकल गया समझ रहे हैं, यहाँ पर एक मिनट में दस सवाल निकलता है चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो यह कौन समास, सेम रहेगा तो अभिभाव, सेम रहेगा तो अभिभाव, सेम रहेगा तो अभिभाव, उपसर्ग रहेगा अभिभाव, उपसर्ग रहेगा अभिभाव, सेम रहेगा अभिभाव, दोनों पर प्रधान दिन समास, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, कोई दिक्कत है, चलिए आता है कर्मधारय, क्या आता है कर्मधारय समास में, क्या पता है कर्मधारय समास से जितो बराय करेगा, जहां आपका बराय कर रहा है समझना कर्मधारय समास, वो विशेषता बतला रहा है क्या कर रहा है, कर्मधारय पर समाज पहचाने का नियम क्या है, कर्मधारय समास पहचाने का सिंपल नियम क्या है,
अंधारे समय पहचानने का सिंपल नियम है, इसमें बताएगा विशेषता। क्या बताएगा? जहां किसी का विशेषता बतलाए बोल देना तो अथवी कम क्रम धारे समास। क्या बोलना? विशेषता बतलाए तो क्रम धारे, विशेषता बतलाए तो क्रम धारे, विशेषता बतलाए तो क्रम धारे समास, क्रम धारे समास। याद रखना विशेषता यानी बड़ा, कभी कोई मान लो का बड़ा कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा, बड़ाई कर रहा है, तो बड़ाई कर रहा है तो क्रम धारे, बड़ाई कर रहा है तो क्रम धारे। बड़ाई कैसे करेगा? बड़ाई करेगा उपमा लगा के, कुछ झूठे उपमा दे देगा कि तुम्हारा मुख, मान लो किसी का मुख जो है एकदम चमगादड़ ऐसा है, लेकिन बोले एकदम तुम चंद्रमुखी लग रही हो, किरण लग रही हो, तो मुख तुम्हारा चंद्रमा ऐसा है, चंद्रमुखी। बड़ाई नहीं कर दिए झूठो, किरण है चमगादड़ की तरह, बोल दिए क्या चंद्रमुखी, क्या बोल दिए, तो बड़ाई कर दिए, बड़ाई कर दिए, तो चंद्र यहाँ उपमा दिए है, क्या दिए, यानी क्वेश्चन पूछे वह कौन सा समास है, वह कौन सा समास है जिसमें उपमा उपमेय मिलता है, वह कौन सा समास है जिसमें उपमा उपमेय मिलता है, क्रम धारे। वह कौन सा समास है जिसमें उपमा उपमेय मिलता है, क्रम धारे। वह कौन सा समास है जिसमें विशेषता बतलाया जाता है, क्रम धारे। वह कौन सा समास है जिसमें बड़ा किया जाता है, क्रम धारे। जैसे बोलेंगे किसी का मुख क्रम चमगादड़ है, लेकिन उसको तुम पटाने के लिए क्या बोल रहा कि चंद्रमुखी, क्या बोल रहा, तुम्हारा मुख किरंग है, तुम्हारा मुख क्रम चंद्रमा जैसन, किरंग है यानी मुख किरंग है चंद्रमा जैसन। बड़ा कर दिए नहीं किए, विशेषता बतला दिए हैं, कौन समास, क्रम धारे, कौन समास, क्रम धारे। जैसे किसी का नयन देखे हैं और गाना गाने लगे, नयनों में सपना, सपना में सजनी, यानी कमल नयन, आपका नयन कैसा है, कमल जैसन, किरंग है, कमल जैसा नयन होता है, कमल से दिखाया जाएगा, लेकिन बड़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमल नयन, क्या बोल रहे हैं, कमल नयन, तो नयन किरंग है, कमल जैसन, किरंग है, बड़ाई कर दिए है ना, कौन समास, क्रम धारे, कौन समास, क्रम धारे। एक गाना सुने होंगे आप लोग, तेरा बदन है संगमरमर, बदन संगमरमर क्या होता है ना, तेरा बदन है संगमरमर, तुम एक जिंदा ताजमहल हो, तो बदन संगमरमर क्या होता है, बड़ाई कर रहा है, पंची क्रम धारे, पंची, तो बोल रहे नयन किरण है कमल जैसन, नयन किरण है कमल जैसन, बड़ाई कर दिया ना, क्रम धारे। जैसे बोले कमर चरण, क्या बोलेंगे, कमर चरण, तो चरण कभी कमर होगा नहीं, लेकिन बड़ाई कर रहा है, तो कौनसी क्रम धारे, कौनसी क्रम धारे, कौनसी क्रम धारे, कौन समास, कर्म धारे समास, कर्म धारे तमास। अब देखे से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोटा लड़का, क्या बोलेंगे, लड़का विशेषता बतला दिए है, लड़का किरंग है, मोटा विशेषता बतला दिए है, कौन समास, कर्म धारे, कौन समास, मोटा लड़का, पतला लड़की, काला लड़का, बौना लड़का, बौनी लड़की, सब विशेषता ने बतला रहे हैं, तो कौन सी क्रम धारे, कौन सी, तुम्हारा, तुम्हारा को देखा है टोपी, क्या देखा है, बोलेगा वो फिल्म भी है, लाल टोपी, लाल टोपी काला लुमार, लाल टोपी काला लुमार, फिल्म देखा है, अरे मिथुन मामला है, लाल टोपी काला लुमार, तो टोपिया का विशेषता ने बताया, टोपिया की रंग है लाल, टोपिया की रंग है लाल, लुमरवा की रंग है काला, रुमाल की रंग है काला, विशेषता बतला दिया है, कौन समास, क्रम धारे, कौन समास, क्रम धारे। बोलेंगे नील कंठ, क्या बोलेंगे, तो कंठ किरंग है नीला, कंठ किरंग है नीला, विशेषता बतला दिया है, कौन समास, क्रम धारे, को दिक्कत है, क्रम धारे पहचान जाएगा। अब आता तत्पुरुष, क्या आता है, इसीलिए हम कल पढ़ाए थे तुम लोगों को, क्या इसलिए हम कल पढ़ाए थे आप लोगों को कारक, क्या पढ़ाए थे, जब तक कारक पता नहीं रहेगा तब तक तत्पुरुष नहीं पढ़ पाएगा, कारक तत्पुरुष पढ़ने के लिए कारक पता होना चाहिए, कल पढ़ा दिए थे, कर्ता ने कर्म को कर्म से संपदान को के लिए अपदान से समन का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो, अरे पढ़ाए थे ना, यानी जिसमें आएगा कारक चिन्ह, क्या है, जिसमें आएगा कारक चिन्ह, जितना अभी हम बोले हैं, जिसमें आएगा कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्म से संपदान को के लिए अपदान से समन का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो, अरे जिसमें आएगा कारक चिन्ह वो क्या होगा, तत्पुरुष, क्या होगा, कारक चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष, कारक चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष, कारक चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष। जैसे अच्छा बताओ इसमें बोलेंगे क्या, इसमें बोलेंगे महादेव, महादेव इसमें आएगा, देवत्वा किरंग है, महान है, विशेषता ने बतला रहा है, किसमें आएगा, क्रम धारा है, किसमें आएगा, इसी में बोल दिया, क्या इसी में बोल दिया, महापुरुष, क्या बोल दिया, महापुरुष, महा तो पुरुष किरंग है, न बोल रहा तुमको, बोलेंगे तुम महापुरुष हो, कदम खुश हो जाएगा, विशेषता के दल को बड़ा कर दिया ना, तो महापुरुष, कौन समास, क्रम धारे, कौन समास, क्रम धारे। अब तत्पुरुष में क्या आएगा, कारक चिन्ह, तत्पुरुष में कारक चिन्ह, जैसे बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे राजकुमार, क्या बोलेंगे, राजकुमार, अब कैसे पहचानेगा कि तत्पुरुष है, तो इसको तोड़ो,
तोड़ो इसको। राजकुमार का मतलब क्या हुआ, मतलब बताइए। राजा का कुमार, राजा का कहा गया है और समान दो का के की ना हो रहा है, कारचिना गया है, कारचिना आया है। कर्ता ने कर्म को करण से सपदान को के लिया, पदान से संबंध का के की, ताकि को भी कारचिनता आ रहा है ना। तो राजकुमार मतलब राजा का कुमार का आ गया है और का कौन चिन्ह है, कारक चिन्ह कौन चिन्ह है, इसलिए कौन समास तत्पुरुष बोले ना। राज कन्या क्या बोलेंगे, राज कन्या यानी राजा की कन्या की आ गया है का के की संबंध में पढ़ाए थे, तो की आ गया है इसलिए कौन समास तत्पुरुष समान, कौन समास तत्पुरुष समास बोलेंगे। राजकुमारी क्या बोलेंगे, राजकुमारी यानी राजा की कुमारी की आ गया है कौन समास तत्पुरुष समास, कौन समास तत्पुरुष समास। जैसे बोल लेने यहाँ पर जल मग्न क्या बोले, तोड़िए जल मग्न को, तोड़िए जल मग्न को, तोड़िए जल में मग्न ना हुआ, जल मग्न यानी जल में मग्न और अधिकरण में पर, अधिकरण में पर कार्य चिना गया है कौन समास तत्पुरुष समास, तत्पुरुष क्या हुआ कुछ दिक्कत है कि तत्पुरुष समास। जैसे बोलेंगे वात पित क्या बोलेंगे, वात पित वात पित तोड़िए वात से पित, वात से पित वात से पित आ गया से अपदान से करण से आ गया से कौन समास, कौन समास तत्पुरुष समास, कौन समास तत्पुरुष समास। जैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे हम के देवघर क्या बोलेंगे, देवघर यानी देवालय, देवघर यानी देवालय क्या बोले, देवघर मतलब देवता का घर, देवता का कहा गया है कौन समास तत्पुरुष समास। देवालय मतलब देवता के लिए आलय, देवता के लिए आलय, तो के लिए किसे पढ़ाए थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, के लिए के लिए कारक चिना गया है कौन समास तत्पुरुष समास। जैसे बोलेंगे विद्यालय क्या बोलेंगे, विद्यालय क्या बोलेंगे, तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, तो संप्रदान को के लिए आ गया, के लिए कारक चिना गया है कौन समास तत्पुरुष समास। बोलेंगे पुस्तकालय यानी पुस्तक के लिए आलय या पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का कौन समास तत्पुरुष समास पहचान जाइएगा, जिसको तोड़ने के बाद कारक चिन्ह आ जाए वो कौन तत्पुरुष समास, कौन समास तत्पुरुष समास। हाँ ऋण मुक्त, ऋण मुक्त भी हो जाएगा, ऋण से मुक्त, ऋण से तोड़ के देखिएगा कारक चिन्ह आएगा तो कितने एग्जाम्पल लिखेंगे, बोर्बो भर गया ना भर गया, तोड़ के देखिएगा कारक चिन्ह आएगा तो कौन समास तत्पुरुष समास, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास का एक प्रकार है क्या पता है, तत्पुरुष समास का एक प्रकार है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नए समास। क्या है तत्पुरुष समास का एक प्रकार है, यहाँ ध्यान दीजिए तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है, इन्हें बोलेगा समास सात वो इन्हें बोल दीजिएगा तो बेगर, लेकिन ये नए समास किसे प्रकार है, तो नए समास जो है ये आपका तत्पुरुष का ही प्रकार है, तत्पुरुष का ही प्रकार है, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, हम डायरेक्ट पूछ देता है नए समास पहचाने का नियम क्या, जल्दी बताओ नए समास पहचाने का नियम क्या है, तो आगे रहेगा ओ क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा ओ, तो क्या बोलेंगे नए समास। आ नहीं बोल रहा है, आ तो उपसर्ग है, आ मेरा क्या है, और आ रहेगा तो अभिभाव, आ रहेगा तो अभिभाव, आ रहेगा तो क्योंकि ये उपसर्ग है, ये क्या है, और आ नहीं क्या बोल रहे हैं ओ क्या बोल रहे हैं, तो आगे ओ तो नए समास, आगे ओ तो नए समास, आगे ओ तो नए समास। जैसे बोलेंगे ओ धर्म क्या बोलेंगे, ओ धर्म क्या बोले, ओ धर्म। जैसे बोले ओ कर्म क्या बोले, ओ कर्म। जैसे बोले ओ न्याय क्या बोले, ना होता अन्याय ना होता। जैसे बोले ओ शिष्ट क्या बोले, ओ शिष्ट। जैसे बोले अनादर क्या बोले, अनादर क्या बोले। जैसे बोले ओ समय क्या बोले, ओ समय क्या बोले, ओ समय बोल दिए। जैसे बोलेंगे ओ मान क्या बोलेंगे, ओ मान क्या बोलेंगे, ओ मान। तो आगे ओ आ रहा, आगे ओ तो कुछ सोचना है, आगे ओ 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 कौन समास, नए समास खत्म हो गया ना, हो गया नए समास को दर्द है, आगे ओ तो नए समास, लेकिन आ रहेगा तो अभिभाव, क्योंकि आ मेरा उपसर्ग, आ मेरा उपसर्ग। अब लास्ट कौन बचा, लास्ट बचा है बहुबीरी, कौन बचा बहुबीरी, बहुबीरी। देखिए बहुबीरी पहचाने का सिंपल नियम है, जिसमें अर्थार्थ निकले, क्या निकले,
जिसमें अर्थात बोलना पड़े या बोलना पड़े मतलब, क्या बोलना पड़े, मतलब बोलना पड़े, वो होता है बहुव्रीहि। क्या होता है, यानी बोल रहे हैं कुछ अर्थ निकल रहा है कुछ और, तो क्या है बहुव्रीहि। बोल रहे हैं कुछ और अर्थ निकल रहा है कुछ और, उसे क्या बोलेंगे बहुव्रीहि। जैसे बोलेंगे लंबोदर, लंबोदर मतलब, मतलब आ गया है ना, मतलब ना आ गया है, लंबोदर अर्थात गणेश, लंबोदर मतलब गणेश, तो अर्थात आ रहा है, मतलब आ रहा है, कौन समास बहुव्रीहि, कौन समास लंबोदर होगा, लंबोदर मतलब गणेश, मतलब आ रहा है ना, यानी कुछ विशेष अर्थ निकल रहा है ना, तो जहां विशेष अर्थ निकले क्या निकले, जहां विशेष अर्थ निकले उसे क्या बोलेंगे बहुव्रीहि, क्या बोलेंगे लंबोदर मतलब गणेश, चंद्रशेखर मतलब, यो पता ना ये लोग को, शंकर भगवान ना होता, चंद्रशेखर मतलब जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात शंकर भगवान ना हो गया, तो मतलब निकल रहा है ना, अर्थार्थ निकल रहा है ना, कौन समास बहुव्रीहि समास। जैसे बोलेंगे क्या दशानन, क्या बोलेंगे दशानन मतलब रावण, दशानन मतलब, मतलब निकल गया है ना, कौन समास बहुव्रीहि, लेकिन दशानन और कौन समास जल्दी बताओ, दशानन बहुव्रीहि के साथ और कौन सा समास है, द्विगु समास ना है, दशाना मतलब दस, दशाना मतलब दस यानी संख्या आ गया, तो द्विगु समास और विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए कौन समास बहुव्रीहि, तो दोनों है, ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, दोनों रहेगा तो और भी दोनों मारना है, न मारेंगे, चलिए बोलेंगे ऐसे, बोलेंगे क्या ऐसे बोलेंगे नीलकंठ, क्या बोलेंगे तो नीलकंठ किसको बोलते हैं, जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ शंकर भगवान जहर पी गए, नीला हुआ कंठ ना हो गया, समुद्र मंथन में जहर निकले थे ना, शंकर भगवान पी गए थे ना, क्या हो गया नीलाकंठ, नीलकंठ मतलब शंकर भगवान, नीलकंठ अर्थात शंकर भगवान, विशेष अर्थ निकल रहा, कौन समास बहुव्रीहि, लेकिन लेकिन नीलकंठ और कौन समास है, क्रम धार है, विशेषता ना बता रहा है, कंठ है नीरा कंठ है, तो नीलकंठ मेरा क्रम धार भी और कौन है बहुव्रीहि। जैसे बोलेंगे बिना पानी मतलब सरस्वती, क्या बिना पानी मतलब सरस्वती, पुष्पधारी मतलब सरस्वती, हंस वाहिनी मतलब सरस्वती, तो बिना पानी पुष्पक धानी हंस वाहिनी सब कौन समास बहुव्रीहि समास, कौन समास बहुव्रीहि समास। जैसे हम बोल दिए क्या, जैसे यहां बोलेंगे क्या, यहां बोलेंगे चक्र पानी, क्या बोलेंगे चक्र पानी, चक्र पानी मतलब यह पता ना, चक्र पानी मतलब विष्णु भगवान ना होता, जो चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, कौन समास बहुव्रीहि समास। बोलेंगे पीताम्बर, क्या बोलेंगे पीताम्बर, कौन समास बहुव्रीहि समास। पीताम्बर मतलब क्या होता, पीला वस्त्र धारण करने वाला, बृहस्पति भगवान का पूजा किए हैं उसे पीला पीला सब होता होता है ना, यानी बृहस्पति हो जाता है, कौन होगा पीताम्बर, यानी विष्णु भगवान का पूजा होता है, ठीक है ना, कौन समास बहुव्रीहि, खत्म हो गया समास को दम था। अब बताइएगा आप लोग, यहाँ बताइएगा इसमें कौन पद प्रधान हुआ है, बहुव्रीहि में कौन सा पद प्रधान हुआ है, पहला या अंतिम, अंतिम मतलब दूसरा, पहला यानी दूसरा, पहला या दूसरा, दूसरा यानी अंतिम, कौन पर प्रधान हुआ है बहुव्रीहि में, कौन पर प्रधान होता है, कोनो ना हुआ, कोई विशेष में जा रहा है, नहीं जा रहा है, यहाँ बोले लंबोदर, तो लंबोदर मतलब गणेश, कोई विशेष अर्थ निकलना है, नहीं कर रहा है, इसमें होता प्रथम पद, क्या होता है इसमें होता दोनों पद, क्या होता है इसमें जो लिखा है वो ना होता है, विशेष अर्थ निकलता है, यानी अन्य पद, क्या बोलेंगे क्वेश्चन बोलेगा जिसमें अन्य पद प्रधान हो उसे क्या बोलेंगे बहुव्रीहि समास, क्या बोलेंगे जिसमें अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि प्रथम पद प्रधान, अव्युभाव दोनों पद प्रधान, कौन दोनों पद प्रधान, द्विगु समास अन्य पद प्रधान, बहुव्रीहि अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, खत्म हो गया, अब इस समास में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समास खत्म। भर लीजिए वहां पर कोई दिक्कत है, बताइए समाज में कोई दिक्कत थोड़े होगा, खत्म हो गया होगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, और यह सब चल रहा है, टारगेट बेच में आपका चल रहा है, टारगेट बेच में चल रहा है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का टारगेट बेच में चल रहा है। अब हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में पढ़ना है कुशाण वंश पढ़ना है, फिर गुप्त वंश पढ़ना है, फिर वर्धन वंश पढ़ना है, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े ना, आगे बढ़िया, इसको लिख के थोड़े तो इतना अच्छा लिखा है ना, लिखा है
घर में जब उतार लेना ना उतार पाइएगा, इतना अच्छा लिखल है कॉपियों में, इतना लिखा मिलेगा मिलेगा। चलिए चलिए, आप लोगों को दिक्कत है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, कोई परेशानी होगा। देख रहे हैं कि तो को कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, सब समझने में लगा है कि कल पढ़ रहे थे कौन वंश, कुषाण वंश, क्या पढ़ रहे थे, जैन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कुषाण वंश, कुषाण वंश, क्या पढ़ रहे थे, कुषाण।